आपको पता है कि आप क्या करते हो। इंस्टा या यूट्यूब के शॉर्ट्स में एक बार एंटर करके तो बस स्क्रॉल करते रहते हो। चाहे हमने ये सोचा हो कि हम थक चुके हैं और हमें सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, या फिर ये सोचा हो कि 2 या 3 इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स देख के वापस हम काम करने लग जाएंगे, पर स्क्रॉल करते करते 2 या 3 घंटे निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आज का दिन दोबारा खत्म हो गया। लाइफ में कुछ करना था, कुछ बड़े सपने थे, लेकिन आज हम दोबारा कुछ नहीं कर पाए। एक गिल्ट के साथ हम फिर दोबारा से सो जाते हैं और एक के बाद एक दिन हम ऐसे ही वेस्ट करते रहते हैं। साल के 365 दिन, 2 से 2.5 घंटे हर रोज, ऑलमोस्ट 1000 घंटे एक साल में हम वेस्ट कर देते हैं, जिसमें हम अपने माँ बाप, अपने टीचर्स और सबसे इम्पोर्टेंट खुद के सपने हम पूरे कर सकते थे, लेकिन आज हमने फिर इन्हें मिस कर दिया। देखिए, ये स्टोरी सिर्फ आपकी नहीं, ये हर यूथ की है। जब तक हम इस स्क्रॉलिंग एडिक्शन को ओवरकम नहीं करेंगे, तब तक हम लाइफ में कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। इससे पहले कि हम सॉल्यूशंस देखें, हमें पहले ये समझना होगा कि जब हम इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हमारे ब्रेन में एग्जैक्टली चल क्या रहा होता है। देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस करता है। अब हम में से कई लोग सोचते होंगे कि ये वेव्स होती क्या है, तो हम सबको ये तो पता है कि घर में 220 वोल्ट के करीब बिजली आती है, या फिर 440 वोल्ट का झटके के हमने पोस्टर्स भी देखे हैं। तो ब्रेन वेव्स का मतलब है जो छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है। ये 220 वोल्ट जितने बड़े नहीं होते, इवन 1 वोल्ट भी नहीं होता, ये सिर्फ 10 से 30 माइक्रो वोल्ट होते हैं, यानी 0.00001 वोल्ट की बिजली हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है। अब अगर हम अपने सर में ये ईईजी लगा लें, यानी इलेक्ट्रोएनसेफलोग्राम, तो हम इन ब्रेन सिग्नल्स को पिक करके इन चार्ट पेपर्स पर प्रिंट करवा सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन चार्ट पेपर से हमारे ब्रेन के बारे में हम काफी कुछ सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस ईईजी रिपोर्ट में हम देख सकते हैं कि रिसर्चर सिर्फ इस ग्राफ को देख के बता रहे हैं कि पेशेंट ने कब आंखें खोली हैं और वो कब बंद कर रहा है। ओके, तो हमें अपनी स्क्रॉलिंग एडिक्शन को खत्म करने के लिए पहले ये समझना होगा कि ब्रेन 5 तरीके की वेव्स प्रोड्यूस करता है। सबसे पहली आती है गामा वेव्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ऐसी वेव्स ब्रेन तब प्रोड्यूस करता है जब हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा यूज हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में अचानक से टेररिस्ट आ जाए जिनने आपके सर के ऊपर गन पॉइंट कर रखी है, इस वक्त आपका ब्रेन सारे के सारे रिसोर्सेज यूज कर रहा है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। उस वक्त आप बस उस गन के बारे में सोच रहे हो, ना कि ये फील कर रहे हो कि आपका होमवर्क कितना बचा है या फिर ईमेल का आपने रिप्लाई किया था कि नहीं। आप बस ये सोच रहे हो कि क्या आपको वहां पे भागना है, क्या उस बंदे को पंच मारना है, या फिर उसे पैसे देके छुटकारा पाना है। इसके बाद आती है बीटा वेव्स। ऐसी ब्रेन वेव हमारा ब्रेन तब प्रोड्यूस करता है जब हम कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये रूबिक क्यूब। थर्ड है अल्फा वेव्स, यानी आपका ब्रेन अब थोड़ा शांत हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, तो जो सारा विजुअल इनपुट हमारे ब्रेन को मिल रहा था, अब वो नहीं मिल रहा है, इसलिए ब्रेन को उतनी प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आती है थीटा वेव। ये वो लोग हैं जो सालों से मेडिटेशंस कर रहे हैं और इनका माइंड काम है। ये अलर्ट स्टेट में है, लेकिन इनका माइंड रिएक्टिव नहीं है, जिसका मतलब है कि अगर इनकी लाइफ में कुछ बुरा भी होता है तो इनका मेंटल स्टेट बर्बाद नहीं हो जाता। और फाइनली आती है डेल्टा वेव्स। ब्रेन ऐसी वेव्स तब प्रोड्यूस करता है जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं और इवन सपने भी नहीं आ रहे होते, इसीलिए ब्रेन ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं करता। ओके, अब रियलिटी में हमारा ब्रेन सिर्फ एक वेव प्रोड्यूस नहीं करता, वो ये 5 की 5 वेव्स एक साथ प्रोड्यूस करता है। हाँ, इनमें से कोई वेव थोड़ी डोमिनेटिंग होती है। ओके, तो इन वेव चार्ट को देखिए हमें ये लग रहा है कि हमारा ब्रेन भी बीटा या फिर गामा वेव्स प्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि सारी की सारी जो हमारी ब्रेन पावर है वो यूज हो। और रियलिटी में कई केसेस में हमें ये चाहिए भी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर आप काम स्टेट में बैठे हैं, जैसे मैं बैठा हूं, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इस वक्त आपका ब्रेन या मेरा ब्रेन ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स प्रोड्यूस करता है, तो ये एक गलत सिग्नल है। और जब हमें स्क्रॉलिंग करने का मन करता है, तो भी हमारा ब्रेन इस तरीके की चीजें प्रोड्यूस करता है। हम स्क्रॉल करते हैं और वापस इसे रख देते हैं, फिर हमें दोबारा पछतावा होता है और दोबारा से हमारा ब्रेन इस तरीके की वेव्स प्रोड्यूस करता है, और ये हाई स्ट्रेसिंग वेव्स, जिससे और ज्यादा स्ट्रेस इंक्रीज होने लगता है। सॉल्यूशन 1 आता है, ब्रेक द डैम लूप। एक स्टडी में यह पता चला है कि अगर हम 5 वीडियोस एक के बाद एक देख लेते हैं, तो यू आर मोर लाइकली टू कंटिन्यू स्क्रॉलिंग। इसलिए हमारा बेस्ट एस्केप यही है कि 5 वीडियो से पहले ही हम रील्स को बंद कर दें, या फिर किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं, जैसे कि पुशअप्स, म्यूजिक एक्सेट्रा। सेकेंड सॉल्यूशन कहता है कि हैबिट्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड, इट कैन ओनली बी रिप्लेस्ड। 2020 में एक स्टडी की गई जहां पर रिसर्चर्स ये जानना चाहते थे कि क्या म्यूजिक से स्ट्रेस कम होता है कि नहीं, और अगर होता है तो किस टाइप के म्यूजिक से होता है। इसलिए इन्होंने 9 फीमेल पार्टिसिपेंट्स लिए, जिन सबकी एज 22 साल की थी। इन पार्टिसिपेंट्स को 4 टाइप के म्यूजिक सुनाए गए,
पहला था साइलेंस, यानी इनको कोई म्यूजिक नहीं सुनाया गया, उसके बाद रैप, थर्ड रिलैक्सिंग म्यूजिक, और चौथा था म्यूजिक ट्रिगरिंग ASMR फिनोमेना। तो जिन्हें ASMR साउंड्स नहीं पता, तो ये वो आवाजें हैं जिन्हें सुन के हमें टिगलिंग सी होती है, जैसे कि विस्परिंग या फिर टैपिंग एक्सेट्रा। अब इन चार म्यूजिक के इम्पैक्ट को मेजर करने के लिए सबके सर में EEG लगाया गया, एक ब्लड प्रेशर मॉनिटर लगाया गया, एक पल्सोमीटर लगाया गया, और बीच बीच में इनसे क्वेश्चंस पूछे गए कि आपको अब कैसा फील हो रहा है। तो फाइनली जब इसके रिजल्ट्स आए तो वो बहुत ही अमेजिंग थे। इस स्टडी से ये पता चला कि जो स्ट्रेस है वो रैप म्यूजिक से थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, और जबकि रिलैक्सिंग म्यूजिक या फिर ASMR आवाजों से स्ट्रेस जल्दी कम हो रहा था एज कम्पेयर टू साइलेंस। तो लर्निंग ये है कि हम खुद अपनी एक म्यूजिक प्लेलिस्ट तैयार कर सकते हैं, खुद की बॉडी के रिस्पॉन्सेज को ऑब्जर्व करके कि किस टाइप की म्यूजिक से हमें कैसा फील होता है, और उन प्लेलिस्ट को उसके अकॉर्डिंग ही नाम दे सकते हैं। और फिर जब हमें भी रिलैक्स होना है या ब्रेक चाहिए, तो इंस्टा रील या यूट्यूब शॉर्ट्स देखने के बजाय हम ये म्यूजिक पीस सुन सकते हैं, या फिर कोई मोटिवेटिंग बुक भी सुन सकते हैं जो हमें गोल से हटाने के बजाय गोल की तरफ ले जाए और कुछ नॉलेज भी दे। और अगर आप नॉन फिक्शनल बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 200 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है। इसमें कोई लव स्टोरीज नहीं है जो दोबारा से हमें स्ट्रेस या एंग्जाइटी प्रोड्यूस करे। ये एप्लीकेशन आपका लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहेगा और स्ट्रेस रिलीजिंग में ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। एक बार इसे डाउनलोड करके जरूर देखिए, पसंद नहीं आए तो अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। थर्ड सोल्यूशन आता है कि गेट अ डीप स्लीप। ये EEG की रिपोर्ट को देखिए, ये एक इंसान की है जो नींद में है, और फिर ये जो नीचे आप वर्टिकल लाइंस देख रहे हैं कि जब ये सो रहा था तो इसके पास एक खास टाइप की साउंड प्रोड्यूस की गई, जिसकी वजह से इसके जस्ट ऊपर हम देख सकते हैं कि वेवफॉर्म चेंज हो गई है। अब जो ये वेवफॉर्म आप देख रहे हैं वो एक डीप स्लीप की वेवफॉर्म है, मतलब जब किसी को गहरी नींद आती है। इन शॉर्ट, स्पेशल टाइप के म्यूजिक हमें गहरी नींद में हेल्प कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम जब उठेंगे तो हम रिलैक्स फील करेंगे, और कम स्ट्रेस की वजह से हम कंट्रोल्ड डिसीजन लेंगे, ना कि डोपामिन हिट लेने के लिए हम अपना इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करने लग जाएंगे। तो डीप स्लीप के लिए दो टाइप की साउंड वेव्स हैं जो बहुत ही फेमस हैं, जिन्हें लोग यूज करते हैं और उन्हें फायदा भी हो रहा है। पहले टाइप का म्यूजिक है डेल्टा वेव्स, यानी अगर हम डेल्टा वेव्स का ही म्यूजिक सुनेंगे तो गोल यह है कि हमारा माइंड भी सिंक में आने के लिए डेल्टा वेव्स प्रोड्यूस करेगा और हमें नींद आने लगेगी। सेकेंड है बायनॉरल बीट्स। इसमें होता यह है कि दोनों कानों में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की बीट्स प्ले की जाएगी, और जिसकी वजह से इन दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमारे ब्रेन को हेल्प करेगा डीप स्लीप के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे एक कान में 200.5 हर्ट्ज की वेव्स हैं और दूसरे कान में 200 हर्ट्ज हैं, तो इनका डिफरेंस 200.5 - 200 = 0.5 हर्ट्ज होगा। अब ऑब्वियसली इसके लिए हमें ईयरफोन्स लगाने पड़ेंगे, वरना कोई फायदा नहीं होगा। एक और बात जो हमें बायनॉरल फ्रीक्वेंसी चाहिए वो डेल्टा वाली ही चाहिए, यानी 0.5 हर्ट्ज से 4 हर्ट्ज की, ना कि बीटा या गामा वेव्स वाली, जिससे माइंड रात को और अटेंटिव हो जाए। हाँ, इस फ्रीक्वेंसी की बायनॉरल बीट्स आप तब सुन सकते हैं जब आप काम कर रहे हैं और आपको एक्चुअल में अपना माइंड अटेंटिव स्टेट में लाना है, तो इन प्लेलिस्ट में ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है द रूल ऑफ 15। ये रूल कहता है कि सुबह उठने के बाद फोन को टच करने से पहले 15 मिनट तक अपना दिन प्लान कर लें कि उस दिन हम क्या करने वाले हैं। अगर कोई मीटिंग है या कोई काम करना है तो आंखें बंद करके इमेजिन कर लो कि आप काम किस तरीके से करोगे। हम ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि अगर बीच में हमारा रील या शॉर्ट्स देखने का मन करा तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, और ये मेथड बहुत ही इफेक्टिव है। सुबह के 15 मिनट हमारे पूरे दिन को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कैसा बिहेव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि टेक द टफ डिसीजंस। अगर हमें लग रहा है कि हम ज्यादा ही एडिक्टेड हो चुके हैं किसी एक सोशल मीडिया से और दिन का एक बहुत बड़ा चंक उसमें स्पेंड कर रहे हैं, और वो सोशल मीडिया हमें प्रोफेशनली चाहिए भी नहीं, तो डिलीट आपको वो एप्लीकेशन करनी ही पड़ेगी। यस, डिलीट करने के बाद हमें एंग्जाइटी होगी और स्ट्रेस लेवल भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारा माइंड डोपामीन की डिमांड कर रहा होगा। इसलिए आता है नेक्स्ट स्टेप, जो कहता है डू माइंडफुलनेस। देखिए, जो मेडिटेशन है वो बहुत टाइप की है, साउंड मेडिटेशन, ब्रेथ मेडिटेशन, इवन की स्टेप्स मेडिटेशन, जिसमें हम स्लो मोशन में चलते हैं और अपने पैरों पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इसका मेन गोल ये है कि हम अपने मंकी माइंड को अपनी मर्जी का टास्क दें ताकि वो काम हो जाए। स्टडीज में ये देखा गया है कि जिन लोगों ने कभी भी मेडिटेशन नहीं की थी, वो सिर्फ 2 हफ्ते तक हर रोज आधे घंटे के लिए भी मेडिटेशन करते हैं, तो भी उनका ब्रेन पैटर्न बहुत इंप्रूव हो जाता है, और इन पैटर्न को हम MRI स्कैन्स में देख सकते हैं। यानी इन शॉर्ट, इसका बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है।
इवन स्वामी रामा पर जब ईईजी लगाया गया तो देखा गया कि उनके ब्रेन में हमेशा डेल्टा वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे कि वो नींद में हो लेकिन वो पूरे जागे हुए थे। और इसे वो योगी निंद्रा कहते हैं, यानी एक योगी की नींद। इन शॉर्ट, वो अपने माइंड को हर वक्त काम स्टेट में रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि व्हाट इज द रियल कॉज यू आर रनिंग अवे फ्रॉम, जिसका मतलब है कि मैक्सिमम लोग स्क्रॉल मोड में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो किसी ना किसी चीज से दूर भागना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे मन में कोई थॉट आया कि हमें पढ़ाई करनी है या साइड बिजनेस स्टार्ट करना है, इसलिए हम डोपामिन किक के लिए जल्दी से सोशल मीडिया खोल लेते हैं ताकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग पाएं। तो जब ये फीलिंग नेक्स्ट टाइम हमें आए तो हमें खुद से बात करनी पड़ेगी, अपना बिलीफ सिस्टम सेट करना पड़ेगा कि हम केपेबल हैं मुश्किल चीजें करने के लिए, और हमें डोपामिन के लिए कोई ईजी सोल्यूशन, कोई सोशल मीडिया नहीं चाहिए। हम सोशल मीडिया की चादर में छुप नहीं सकते, हम अपने पेरेंट्स का विश्वास नहीं तोड़ सकते। इन शॉर्ट, स्टेप वन इज एक्सेप्ट करो कि हम किसी चीज से भाग रहे हैं। स्टेप टू, वो चीज जोर से बोलो कि हम किस चीज से भाग रहे हैं, और खुद को याद दिलाओ कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और फाइनली स्टेप थ्री, वापस काम पे लग जाओ। ये सारे सोल्यूशंस हैं जो हमने देखे, जिसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो हमने ये तो देख लिया कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है, इवन हमने 7 सोल्यूशंस भी देख लिए। लेकिन मेरा आपके लिए चैलेंज ये है कि आप इन 7 सोल्यूशंस को क्या 21 दिन के लिए फॉलो कर सकते हो, ताकि ये सारी चीजें हैबिट में कन्वर्ट हो जाए और मोस्ट प्रोबेबली हमारी ये स्क्रॉलिंग करने की जो हैबिट है वो रिमूव हो जाए। आई होप आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, और अगर ऐसा है तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। जय हिंद। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए, और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।